पहली कविता सुनाऊंगा आपको जिसका शीर्षक है कोरोना काल। ढेर लाशों का देखकर डर लोगों में देखकर दिल दहलता है, आंख से मोती छलकता है। सरकार नदारद है, इंसानियत नदारद है, देखो सब कैसे बदलता है, चारों तरफ मौत का अंबार लगता है। कल्पनाओं में शामिल बीती हुई कोई महफिल, आज तो इतनी अच्छी महफिल लगी हुई है लेकिन चंद महीने पहले सारी महफिलें गायब थी। कल्पनाओं में शामिल बीती हुई कोई महफिल, अब कहाँ कोई पंछी चहकता है, क्यों नहीं पेड़ पर कोई पत्ता हिलता है। हाय ये बेड़ियाँ देखो, लोगों की पीड़ देखो, यहाँ कितनी व्यवस्था है, अंधेरा सब कुछ निकलता है। थैंक यू। हर किसी की कहानी, हर किसी की जुबानी, सुनो तो कलेजा बैठता है, आँख से बस दरिया बहता है। कुछ दिखता नहीं है, कुछ बिकता नहीं है, बाजारों में कोई नहीं भटकता है, समय का पहिया देखो कैसे चलता है। तुम्हें कोई सुनता नहीं है, तुम्हें कोई गुनता नहीं है, घरों में ताला लटकता है, यही अब तो आधुनिकता है। महामारी का दौर जो आया, खौफनाक मौन है लाया, सन्नाटा हर गली मोहल्ले में पसरता है, समय ये कितना भारी कटता है, समय ये कितना भारी कटता है। शुक्रिया। दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है वक्त बदला नहीं। तूफान चलते रहे रास्ता रोके रहे, तूफान चलते रहे रास्ता रोके रहे, मन सवाली रहा जवाब मिला नहीं। पैर डगमगाते रहे ख्वाब बिखरते रहे, दिल शांत ही रहा आंखें रोती रहीं। लोग आते रहे लोग जाते रहे, मैं इंतजार में रहा ठहरे तुम ही नहीं। पहर बदलते रहे मेघ गरजते रहे, दरिया सूखा ही रहा प्यास भी बुझी नहीं। अंधेरे छाए रहे सन्नाटे डसते रहे, अंधेरे छाए रहे सन्नाटे डसते रहे, वक्त गुजरता रहा वक्त बदला नहीं, वक्त बदला नहीं। एक और कविता है, इसका शीर्षक है ये क्यों कलयुग आ गया। साफ नजर आता था, नजरें जिधर भी जाती थीं, अचानक बादल सा क्यों छा गया, ये बीच में क्या आ गया। अभी तो मचलते थे खुशियों से बांसों उछलते थे, अभी तो मचलते थे खुशियों से बांसों उछलते थे, माहौल कैसे अब गर्मा गया, ये मौसम कैसा आ गया। अभी मेरे होते जाते थे, अभी संग मेरे मरना चाहते थे, नफरतों का क्यों मगर दौर आ गया, क्या बीच में कोई आ गया। खेत खलिहान लहराते थे लोग मुस्कान लिए जाते थे, खेत क्यों अब मुरझा गया, क्यों ये अकाल आ गया। साथ साथ सभी चलते थे घरों से जब भी निकलते थे, रिश्तों को कौन अब खा गया, ये क्यों कलयुग आ गया, ये क्यों कलयुग आ गया। ये कविता मैंने लिखी है उन सभी छात्रों को या उन सभी लोगों को जो संघर्ष करते हैं और जिनके पड़ोसी रिश्तेदार उन्हें ताने देते हैं और बात बातें पूछते हैं, तो उन्हें मैंने अपना जवाब लिखा है कि उन्हें चुप रहना चाहिए और हमें अपने काम करते, मतलब हाँ हम अपना काम करते रहें वो अपना काम करते रहें। तो आपको भी ऐसा कुछ लगे तो सुना दीजिएगा उन्हें ये वाली कविता। सवाल मुझसे है मुझी से कीजिए जनाब, जवाब लेकर चलिए खिसकिए जनाब, और आगे मैं बढ़ रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, आगे मैं बढ़ रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, पैर तो मेरे पीछे मत खींचिए जनाब। आगे मैं बढ़ रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, पैर तो मेरे पीछे मत खींचिए जनाब, और क्या कहा परवाह मेरी करते हो खूब, क्या कहा परवाह मेरी करते हो खूब, रिश्तेदार मेरे आप मत बनिए जनाब। खाक मैं छान रहा हूँ तो छानने दीजिए, खाक मैं छान रहा हूँ तो छानने दीजिए, आप भी कुछ कमाल कर लीजिए जनाब। और अंतिम दो पंक्तियाँ हैं कि आवा भगत आदतों में शुमार है मेरी, आवा भगत आदतों में शुमार है मेरी, पर मेरे सर पे तो मत बैठ जाइए जनाब, पर मेरे सर पे तो मत बैठ जाइए जनाब। शुक्रिया।